परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और वो जंगल में रहता था, खेतों में ज्यादातर, वही अपनी दारू का अड्डा करता, शराब निकालता था और पीता था। उसको नीच आत्मा, हम भी उसको गंदी दृष्टि से देखा करते, निकम्मा आदमी, उसको दूर को लेते थे। और अब ऐसी समस्या आ गई कि घर में रक्स वो शराब पीने वाले घर खाली नहीं रहा, घर घर में शराबी हो गए। उन्हीं को राक्षस कहते थे जो दारू पिया करते। दारू पीकर माँ पा हत्था दे, और माँ के तो 5 दाबने चाहिए थे उसने। माँ का बदला इस जीव पर कभी नहीं उतर सकता अगर वो ढंग से विचार करे तो। और दारू पीकर माँ पा हत्था दे, बाप ने बुंडी कह दे, तो राक्षस में कोई कमी रही? तो उस प्रकार ये उत्पत्ति हुई। तो यहां गरीबदास महाराज कहते हैं, धर्मदास को बताते हैं कबीर साहब, अक्सर पुरुष एक पेड़ है, अक्सर और निरंजन वाकी डार, क्योंकि अक्सर ने निरंजन संडे से उत्पन्न हुआ और निरंजन ने अपनी फिर न्यारी तैनी फोड़ ली, ये 21 ब्रह्मंडल ले आया। निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार, और जड़ फिर भी रहेगी, जड़ मूल वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सत पुरुष है। पेड़ जो ऊपर दिख है, अक्सर पुरुष है जो मोटा तना, और उसमें एक मोटी और शाखा निकली। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन व मोटी डार, और उस मोटी डार में एक 3 शाखा और, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और इसका फिर छोटी टेणी देवता, और ऊपर ये पत्ते रूप में ये जीव ग्रहण किए सब प्राणी है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात्र रूप संसार। जड़ जड़ सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म है। अब जो भी यहां पर आ रही है शक्ति, वो सतपुरुष से आ रही है। जो भी जड़ों से खुराक मिलती है, तने में आती है, तना आगे शाखाओं में बांटता है और ऊपर तक आ जाती है। इब हम लटक रहे हैं ब्रह्मा विष्णु में, इसके हमने तो ये लगे है कि इन्हीं से हमें सब कुछ प्राप्त हो रहा है, हमारी बुद्धि आगे नहीं जाती, और शास्त्र फिर हमने ये ही मिल गए। और ये भी ठीक है क्योंकि ये उस निरंजन से जुड़े हुए, निरंजन अक्सर पुरुष से जुड़ा हुआ और अक्सर पुरुष सतपुरुष से जुड़ा हुआ, ये कर्म तो ऐसे है। तो अब हम असली मूल वस्तु को भूल गए और इन शास्त्रों के आधार पर हमने यही मान लिया कि ये पूर्ण परमात्मा है ब्रह्मा विष्णु महेश, पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के परमात्मा है और 4 भुजा के मालिक है। कर्म किए का दंड और सुख ये दे सकते हैं, इससे ज्यादा ना अपना काट सकते ना आपको अधिक दे सकते, और तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता जब तक हमारे कर्म दंड नहीं कटेंगे। कर्म दंड काटने की इनके पास शक्ति नहीं है। जैसे भगवान राम ने बाली मारा था त्रेता युग में, और उसका बदला स्वयं द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आकर देना पड़ा। जब ये अपने कर्म नहीं काट सके भोगे सरया, तो कबीर साहब कहते हैं इनकी साधना का फल जरूर मिलेगा। ये नहीं है नकारा, जो गीता जी में कहा सिरणी करणी करके देखो, आपने स्वर्ग भेज देंगे द्रुप पर लाज की त्रियां, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटा सकते, आपके कर्म का दंड अपना भोग्य सरेगा। अब कबीर साहब की वाणी, गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं आदि रमैणी। इसमें महाराज जी लिखते हैं आद रमैणी अदली सारा और जादन होते धूंधू कारा, जादिन आद रमैणी अदली सारा जादन होते धू धू कौरव, यानी प्रलय था, यहां पर कुछ भी नहीं था,
सतपुरुष की न प्रकाशा होते कबीर तकत खवासा, सतपुरुष की न प्रकाशा यानी अपने शब्द से ये सारी प्रकृति ऊपर सतलोक की उत्पन्न करी और वहां पर सतपुरुष बंदी छोड़ यानी कबीर साहब वहां पर सतलोक में रहते थे। सतपुरुष की न प्रकाशा होते तब तगत कबीर खवासा, मनमोही मनमोहनी सरजी माया और सतपुरुष से ख्याल बनाया, आदरमणि अदली सारा जाजन होते धू धू कारा, सतपुरुष की न प्रकाशा होते तख्त कबीर खवासा, मन मोहनी सरजी माया सतपुरुष एक ख्याल बनाया कि नरेंद्र न्यू ना माने या माया बनाई। धर्मराय सरजे दरबानी 64 युग तक सेवा थानी, धर्मराय सरजे दरबानी 64 युग तप सेवा थानी, पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी, ये पृथ्वी है सारे लोग, हमने पृथ्वी सिर्फ यही मान रखी है नहीं, पृथ्वी 21 ब्रह्मण ये सारी पृथ्वी है, इसमें 49 करोड़ पृथ्वी कबीर साहब ने बताई है, 49 करोड़ पृथ्वी है, 21 ब्रह्मण दे दिया, पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी और राज करो देवा आधीनी। जब पहली बार ये ब्रह्मण दिए नो कहा था बेटा अधीन भाव से राज करना, नम्र भाव से रहना और सत का राज करना, ब्रह्मंड 21 राज तुम दीना और मन की इच्छा सब जुग लीना, माया मूल रूप एक साजा मोह लिए जिन्हू धर्मराजा। उस माया के ऊपर ये ज्योत नरंजन आसक्त हो गया, धर्म के मन चंचल चित धारा और मन माया का रूप विचारा, चंपल तेरी चंचल तेरी चपल चिरागा, या के पर से सर्वस जागा, धर्म राय किया मन का बागी और विषय वासना मन से जागी, आद पुरुष अदली अनुरागी और धर्म राय दिया दिल से त्यागी। सतपुरुष ने आदि पुरुष ने अदली पुरुष ने और धर्म राज दिया दिल से त्यागी, अपने बेटे को अपने दिल से त्याग दिया अर्थात उससे नफरत होगी, अगर कितना जोगा भी कौन है तो जमाए ने कमा निकला, इसने इसी गलती कर दी, अपनी बहन पर बदनीत कर ली। कहते हैं आद पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दल से त्यागी, पुरुष लोक से दिया ढाई अगम दीप चल आए भाई, पुरुष लोक सतलोक से इसको ढा दिया धक्का दे दिया 21 ब्रह्मंड के समेत, सहजदास जिस दीप रहनता कारण कौन कौन कुल पंथा, धर्म राय बोले दरबानी सुनो सहज दास ब्रह्म ज्ञानी। धर्म राय इसको धर्म राय भी कहते हैं काल को, जब वो सहज दास के दीप में आया, सहज दास ने बोला भाई कौन है तू, तेने बोला भाई मेरी बात सुनो मैं ज्योत निरंजन हूं, 64 युग हम सेवा की नी और पुरुष पृथ्वी हमको दीनी, चंचल रूप भया मन बोरा और मन मोहनी ठगिया बोरा। अब उस कर्म ने करके निरंजन बहुत पश्चाताप करे से बहुत पछताया, ने बोला भाई मेरे से गलती होगी और मेरे मन में खोट आ गया जिसका परिणाम मन यू भोगना पड़ गया, पर मेरे पर रहम करवा दो, सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोग ते हम चले आए, क्योंकि भगवान बंदी छोड़कर हम नहीं भाए मन में ही बे और इसलिए वहां से हम चले आए, सतपुरुष के नामन भाए और पुरुष लोक से हम चले आए, अमर दीप अगर दीप सुनत बड़बागी और सहज दास मेटो मन पागी, ये मेरे मन में जो खोट हुआ था इस कर्म ने तो मिटवा दे मेरे ने। बोले सहज दास दिल दानी भाई हम तो चौकर चौकर हम तो चाकर सत सहदानी, मैं तो भाई सतपुरुष का नौकर हूं उनका सेवक सो उनका बेटा ला लो, पर भाई उनके को बिना मैं तो देख तुझे रख नहीं सकता, सतपुरुष से अर्ज गुजारूं उनसे पूछूंगा और जब तुम्हारा बेमान उतारूं 21 ब्रह्मण तेरे जब यहां रहने दूंगा अगर वह कह देंगे तो। सहज दास किया पियाना, सहज दास को किया पियाना अपनी सुरत द्वारा, पियाना माने प्रस्थान करना, अपनी सुरत द्वारा सतलोक पहुंचा और सतलोक लिया परवाना, वहां जाकर अर्ज करी कि क्या आदेश है मालिक आपका, ऐसे ऐसे ज्योत निरंजन
वो मेरे आगे हाथ जोड़े खड़ा है, और पंडित छोड़ आप कृपा कर दो तो आप कहो तो उसने वहां रख लो। तो सतपुरुष नाराज हो गए कि सहजदास कति नहीं, तीन वचन कहता हूं उसको यहां से कति निकाल दे, वो यहां नहीं रहने के लायक है, फिर को बद करेगा युजी मानन का कोई ना। सतपुरुष साहब सरबंगी, अब सतपुरुष की महिमा गाता है सहजदास। जब प्रार्थना करते ना हम किसी के पास कोई वस्तु मांगे, जैसे मेरे पास कोई आवे और मैं हूं मान ले किसी बड़े अधिकारी का नीचे सेवक नौकर है, तो मैं जाऊंगा साहेब के पास अपने व्यक्ति के काम करवाने ताई, तो पहले उसको सराहूंगा, परवरदिगार आप ऐसे हो आप ऐसे हो, उसने राजी बोलकर प्रसन्न करना चाहूंगा, और फिर आपका अपना सवाल कहूंगा जी ऐसे ऐसे मेरा रिश्तेदार है, अरे काम है अगर वो आप कर सकते हो तो कृपा करो। तो यहां महाराज सहजदास सतपुरुष की महिमा गाता है, सत्य पुरुष साहब सर्वंगी यानी सर्वव्यापक, अवगत अदली अचल अभंगी, अविगत जिसकी महिमा ने कोई जान ना सके, अदली जाकारी अचल जो अमर है, जो सथाई है सथिर है, आप अमर हो अचल हो आप सथाई हो, अभंगी आप एक रस रहते हो, धर्म राय तुम राजरबानी, वो धर्म राय निरंजन काल अगर दीप चल गए प्राणी, वो आपका वो जीव, अब इसको भी प्राणी कहा गरीबदासियों ने कि वहां ये प्राणी है, जैसे प्रधानमंत्री के दफ्तर में आईएएस ऑफिसर भी एक नौकर होता है, कहते हैं अगर दीप चल गए प्राणी कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, और कहां पठाऊं उस धर्मराजा, एक विधि से पूछा महाराज जी कहां रखूं उसको, वही आवाज अदली एक साचा भाई विषय लोक जाति नु वाचा, नो बोला भाई बात सुन ले, इसने यहां से विषय लोक भेज दे और वहां मत रखना, खबरदार जो वहां रखा था। सहजदास सहज विमान चले अधिकारी छिन्न में अपने वापस लोक में आ जाई, वहां से सुरत गई थी ना एक अक्षण में वापस आ गया, सहज विमान चले अधिकारी और तेजी ताया, कदे महाराज जी मेरे पर नाराज ना हो जाए इसने निकालू अड़ंगे नड़े पे। सहज विमान चले अधिकारी छिन्न में अपने दीप अगर दीप चल आई, और के बोला भाई हम तो अर्ज करी अनुरागी, और तुम विषय लोक जाओ बड़वागी, भाई मन ता जोड़ का अपने पूर्ण रूप से प्रार्थना करी थी, बंदी छोड़ते हैं पर वह को नहीं माने, अब विषय लोक जा बड़वागी अपने कर्म का दंड भोगी जा यहां से, जब तने पहला ना देखी सा जुलम कर बैठा, तो हम तो अर्ज करी अनुरागी तुम विषय लोक जाओ बड़भागी, धर्म राय के चले बिमाना, अब धर्म राय और निरंजन के वहां से ये 21 ब्रह्मंड का जहाज चल पड़ा, मान सरोवर आए प्राणा, अब वहां पर आखिरी लोक जहां से ये लोक शुरू होंगे ना खत्म होते हैं सतलोक के, वहां पर एक मान सरोवर है, और वहां पर बंदी छोड़ कबीर रूप में सतपुरुष आ बैठे, धर्म राय के चले बिमाना मान सरोवर आए प्राणा, मान सरोवर रहन ना पाए और दरे कबीरा थाना लाए, वहां कबीर साहब ने अपनी चौकी बैठा रखी, बंक नाल की बिखमी घाटी तहां कबीरा रोकी घाटी, अब जानते सुनो इन बातों को, गरीबदास जी कहते हैं इन 500 मिल जगत बंधाना, इन 500 मिल जगत बंधाना और लख 84 में जीव सताना, किस किस में, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया इन इस निरंजन धर्म राय का राज बठाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया धर्म राय निरंजन का राज बठाया, ये खोखापुर जूठी बाजी और बीस्त बैकुंठ दगासी साजी, ये स्वर्ग जिसको उर्दू में बीस्त कहें से और संस्कृत में बैकुंठ कहते हैं, ये बैकुंठ बीस्त ये दगा यानी धोखा तुम्हारे लिए कर रहा क्या है, ये कृत्रिम जीव बुलाने भाई उस निजगर की तो खबर ना पाई, ओए होए अपने लोक का तो बेरा भी कौन जहां से हम आए थे, ये आड़े चक्कर बांध रखा स्वर्ग में चला जा, ऋषि बन जा, गधा बन जा, कुत्ता बन जा, फिर स्वर्ग में चला जा, ये रेट कैसे कुएं में दौड़ रखे, 1,25,000 उपजे नित हंसा, 1,25,000 पैदा होते हैं
100,000 विनसे नित अंसा, नित प्रतिदिन 100,000 ये जीव मरते हैं। और कितनी सूझबूझ निरंजन कर रखियो, कितनी बड़ी पृथ्वी पे, और नारे नारे लोग गांव और गांवों में फिर शहर, और कितने ब्रह्मांड सारे पृथ्वी पर बना दिए। एक शहर का, एक गांव का, एक साल में नंबर आवस है एक दो व्यक्ति मरण का। अब न सोचते कोई बात ना, एक का मरिया से बाकी ठीक से। फिर एक दिन पता चल 8 आदमी मर गए मेटा डोर में एक का गांव के। ओए हो रहा, बड़ा जुलम हो गया भाई, ताला फट गया। फिर 2-3-10 साल तक कोई जिक्र नहीं हुआ मरने का, को बूढ़ा ठेरा भी सगलो डर गया। ऐसे ढंग से जुलम कर रहा, क्या किता बाढ़ आएगी, कम होते दिखे ना। उस दिन अलाके पृथ्वी ने वो चाल आ गया भाई कि साइंटिस्ट करें जाओ खोज फिर इसकी। और क्योंकि आया भाई, वहां ऐसे हो गया था, वहां दबाव बट गया था, वहां घट गया था, वहां पृथ्वी कमजोर थी, लावा बाहर आ गया। वो करया किसने, साइंस यहां तक सीमित हो जाती है। अब बताओ तुर्की में के जुलम हो गया, मेरा ना कितने प्राणी बेचारे श्याम ना आराम से सोए थे और सवेरे एक भी ना पाया, कुंबे के कुंबे मर गए। महाराज कहें ये धोखा थारी गल, निरंजन ने जुलम कर रखा। फिर तुम बाकी के नो सोचो, मारा नंबर इब को नहीं आया, तुर्की में तो भूकंप आ गया था, आड़े के आंट ला रखी है भूकंप की, यहाँ क्या नहीं हो सकता। रोहतक में क्या हाल हुआ था 95 में, बाज बाज के बिरना कि सच्चा बसड़ कर आज काटी थी। इसे जुलम के लोक में, और यहाँ फिर भी ना सोचते आप यहाँ से निकल जाओ। फिर अनजान लोगों के बताओ भाई, सारे सतलोक चले गए तो यहाँ खाली हो जाएगी, बता रहे खाली हो जाए, गड़ेगा करेंगे कि हो जाएगी खाली, जब वहां सुखा सांस तो वहां आवे, इस खाली होने का ठेका और ले लिया हमने। ओ तेरा बोला पूछे बाग बिना बुझी, ये तो कैद है, कैद खाली हो जाता बढ़िया, तो सारे नेक आदमी हो जाए। 125,000 उपजे नित हंसा, पैदा होते हैं और 125,000 पैदा करके इसकी समस्या बढ़ गई। अभी यू विषाणा निकला, एक कीड़ी के बिल में करोड़ ठोक दिए चीटी बनाकर, काटे जाओ चक्कर इस बिल में है। और वो इवन रोके कि गधे बना दिए तो बिना गिनती के गधे बना दिए, कुत्ते की बना दी तो कुत्ते निरे बना दिए, इवर बनावे के वृक्ष बना दिए और घास बना दिया, इतने बना दिए। अब ये बेचारे यहां फटकरे बैठा है। 125,000 उपजे नित हंसा, 100,000 विनसे नित अंसा, 100,000 जीव रोज मरे। उत्पत्ति खपती या परले फेरी, हर्ष शोक जोरा जमजेरी, लड़का हो गया खुशी का ठिकाना कोना, पिताजी दारू पी और प्यावे, और छोरा फिर 2 साल पास मर जावे, फिर अपना सर कूट कूट कर मर जावे। हर्ष खुशी और शोक ये यहां पर सांग जोड़ रखा है। पांचों तत्व हैं परले माही, सतगुण रजगुण तम गुण जाई, शतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शिव। कहते हैं ये भी बनावटी है भाई, ये भी नष्ट होंगे। इन्होंने ही तीनों ने आपको यहां पर बांध रखा है। गीता जी में स्वयं भगवान निरंजन, वहां पर कृष्ण नहीं बोलता, ये भी आपको गलत गाइड, क्योंकि बेरा नहीं था शास्त्र लिखने वालों ने। उसमें कृष्ण जी में प्रवेश किया निरंजन, उसमें यह अनर्थ करवाना था महाभारत का, नहीं कृष्ण जी अनर्थ करवाना नहीं चाहते थे, कति भी नहीं चाहते थे। वो 10 बार तो शांति दूत बनकर गए हैं कि यो नाश ना हुए, ये प्रमाण मिलता शास्त्रों में। और वो आखिर में निरंजन उसमें प्रवेश करके जबरदस्ती इस महान आत्मा से जुलम करवा दिया, नाम इसका हो गया और काम कर गया। आपको प्रमाण दूंगा, गीता जी को सुनाऊंगा आपको, उसमें साफ लिख रहा है अर्जुन ने कि 1,000 के बुझा के परमात्मा तू अपने 4 बुझा में आ जा, मन डर लग गया तेरे से, जो विराट रूप दिखाया। 1 सेंसर बुझा के मालिक, मुझे तेरे से इतना डर लग रहा है, मेरा कलजा धड़कस है, और तू अपने 4 बुझा में आ जा, मेरा दिल डट जाएगा। क्यों, वो तो मन रूप तेरा कई बार देख रखा है। तो वो निरंजन ने स्वयं विराट रूप बनाया, विष्णु जी ने नहीं बनाया, कृष्ण जी ने फिर कौन बनाया कभी। वो निरंजन ने स्वयं अपना असली रूप दिखाया कि मैं काल सू भाई, और ये सब जीवों ने मैं मारू सो, मैं खाऊं सो, और मैं पैदा करूं, चौड़े में कह रखा। तो इस प्रकार गीता जी में निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन ये तीनों ने इस सृष्टि को बांध रखा, किसने, रजगुण समगुण और तमगुण ने, सतगुण रजगुण सतगुण तमगुण, यही सब जाए बैठे इस पर सारी सृष्टि ने।
सतगुण कौन? विष्णु। रजगुण कौन? ब्रह्मा। और तमोगुण विष्णु शिव। इन तीनों ने कहा तुम्हारे को बांध रखा, आप फिर भी सेना बन गया, आप निर्दोष हो गया, इन पर फिर दोष ठोक दिया कि तुमने इन बांध रखा। वही गरीबदास जी कहते हैं, कहते हैं पांचों तत् हैं परलय माही, सतगुण रजगुण तमगुण जाई, आठों अंग मिली है माया, पिंड ब्रह्मंड ये सकल ब्रह्माया, या मैं सर शब्द की डोरी, पिंड ब्रह्मंड लगी है खोरी, श्वासा पारस मन गए राखो, और खोल कपाट अमी रस्ता को। हम एक नाम देते हैं जो सांस से सुमन होता है, और उसका कहते हैं तुम हमारे नुमाइंदे संतन लेकर इसका जाप किया करिए। सुनाऊ हंस शब्द सुन दासा, अगम दीप है अग है बासा, बहु सागर जम दंड जमाना, इस बहु सागर में कर्म का दंड यो काल देवस है। बहु सागर जम दंड जमाना, धर्म राय का है तलबाना, इस निरंजन का आपके ऊपर तलबाना, आपके ऊपर बुलावा है, यहां भेज दिए स्वर्ग भेज दिए, यहां से स्वर्ग में गए, स्वर्ग से फिर तलबाना है नरक में चालो, क्योंकि आपके यहां पर पूर्ण औलिया जो स्वर्ग में जो जितने आपके पुण्य थे वो खत्म हो गए। पांचों ऊपर पद की नगरी, इन पांचों से ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश माया और नरेंद्र से ऊपर कहते हैं हमारा जो पद्धति यहां से शुरू होती है। पद की नगरी बाट विहंगम बंकी डगरी, हमारा धर्म राय से दावा, हम इसके ऊपर दबाव देते हैं कि बहु सागर में यो जीव ब्रह्माया, हम तो कहें अगम की वाणी, इससे आगे की हम जानकारी देते हैं। वेद जहां अपना ज्ञान समाप्त करते हैं, पुराण जहां पर वेद जहां नेति लिख देते हैं, कहते हैं वहां से हम शुरू करते हैं। हम तो कहें अगम की वाणी, जा अवगत अदली आप बिनानी, वो सब पुरुषपूर्ण ब्रह्म भगवान से हम वहां का मार्गदर्शन करते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम, हम इस निरंजन की बंद महते विष्णु जी है ते शिव जी ते ब्रह्मा, और हम जीवों का ठिकाना कोई ना, ते देवता सर्वलोक में ये निरंजन की बंद में कैद में पड़े हैं। हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमारा स्त्री ठामम, हमारा नाम बंदी छोड़ है, क्यों है? क्योंकि हम इस काल निरंजन से जो हमारी पद्धति से साधना करेगा यहां से छुटवा के सतलोक ले जाएंगे, इसलिए बंदी छोड़ कहलाते हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम अस्थिर, वो सथाई जो कभी नष्ट नहीं होता, अजर अमर है अस्थिर ठामम, वो अमर लोक सतलोक हमारा स्थान है, फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा भाई, वहां जाकर तुम्हारे इतने ठाठ होंगे, जिस सुख को तुम राजमन ढूंढो, जिस सुख को तुम स्वर्ग में ढूंढो, वो यहां नहीं है। और स्वर्ग सुख ढूंढने की आदत क्यों? वो सुख हमने देख रखा है सतलोक में, वो इभी भी हमारे अंदर प्रेरणा क्रैश है। ये तो अब हम पुत्र को सुख मानने, पहला पुत्र हो जा, ब्याह दिया था दिया बुझ दोगे, यू भी सुख में ना पाया, फिर राजा में सुख ढूंढा, राज में राजा भी बन गए, और राजा ने पूछ लो कितना सुखी है, ये वो सुख यहां है को ना, उसका आभास भी नहीं है, और शास्त्र सारे यहीं तक सीमित। एक सूक्ष्म वेद सत्पुरुष ने निरंजन के द्वारा ओर डाला था, लेकिन उसने गुप्त रूप से वो अपने पास रख लिया, वो सूक्ष्म वेद में ये सारा जानकारी थी जो आज हम आपको दोबारा दे रहे हैं, वो उसने गुप्त कर दिया, ब्रह्मा तक हाथ नहीं लागण दिया, जय यू ब्रह्मा के पहले हाथ लाग जाते एक जीव ने जोड़ दें, यहां पर इतना विद्वान है ब्रह्मा जी, इतने ज्ञानी पुरुष हैं वो। तो यहां कहते हैं बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, और जुगन जुगन हम कहते आए, अर्जम जौरा से जीव छुटाए। चारों युगाम आए कबीर साहब, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, द्वापर में त्रेता, द्वापर में ना त्रेता में मुनिंदर नाम से, और द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में स्वयं कबीर नाम से आए हैं। चारों युगाम इनके चार नाम चले, आखिर तक नाम कबीर चलेगा, लेकिन अंश अवतार फिर भी आता रहेगा, जैसे गरीबदास रूप में आए। युगन युगन हम कहते आए, जम जौरा से हंस छुटाए, जो कोई मान शब्द हमारा, इस भव सागर निर्भर में धारा, जो मेरी बात न मान लेगा उसने यहां छोड़ो को ना, और निरंजन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ना देवता दुखी करें, ना कोई पितर सिद्ध है, और ना कोई भूत सतावे, ना कोई कर्म की मार आपके ऊपर आने दूंगा, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति है जो कर्म के दंड में काट सकती है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को बिना वकील के, बिना गवाही के वो माफ कर सकते हैं, उसने नोट हो गया कि इसकी माफ करनी है, उसने कोई रोक करनी नहीं। आज अगर राष्ट्रपति चाहे
सब की या तो सुप्रीम सजा है या तो मतलब अंतिम सजा फांसी की, और ओरा ना तो एक मिनट में छुटवा दो। फांसी की सजा को भी अगर हजारों को आज फांसी देनी है, राष्ट्रपति चाहे तो सबको माफ कर सकता है, किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं उनको फांसी दे दे। और लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास वो पावर, और ना खुद जो लिखता है जो फांसी सजा उसके पास पावर, और मुख्यमंत्री दुर्दशा एक होना। तो इसी प्रकार इनकी जो सीमित पावर्स हैं वो हैं, तब इस बंदी छोड़ के पास एक यह पावर भी है कि फांसी की सजा जो काल ने मारे लाया रखी फांसी, आज मनुष्य कल गधे गधी बनाकर छोड़ देगा, अंडे जाओ सारी उम्र टोटरे पटवाते। तो कहते इस बिरानवाटी ने मैं मिटा सकूं, भाई ब्रह्मा जी के बस का भी कोई ना शिव जी के ना विष्णु के, पर इसके नियम अनुसार तुम करोगे सुख हो जाएगा, स्वर्ग में ज्यादा दिन रह आओगे। जैसे धरु प्रहलाद बढ़िया भक्ति करके और वेद शास्त्रा के अनुसार करके गुरु बनाया और फिर वजन किया, नाम का जाप किया, आज वो स्वर्ग लोक में है, और जब तक वहां प्रलय नहीं होगी इतने वो स्वर्ग में अपनी मौज करेंगे। अगर हम सारे प्राणी भी अपनी नेक नीति से अगर यहां डट कर धरु प्रहलाद की तरह वजन कर ले तो स्वर्ग में सारे जा सकते हैं, यहां कोई नहीं रहे, कोई जरूरी नहीं है। जो स्वर्ग में बदमाशी करते हैं उनको इस कैद में निरंजन ठोक देता है। हम सब यहां पर प्रिजनर हैं, हम सब कैदी हैं, दोषी हैं, जो वहां पर नहीं टके उन्होंने वहां पर जुल्म किए, यहां आकर हमारे को सजा भोगनी पड़ी। अपना आचरण फिर सुधार लो, उन्हें नियम दे रखा गीता जी भागवत रामायण, रामायण उन्होंने जीवन चरित्र किया, क्यों किया कि प्राय स्त्री के साथ जो ऐसा क्रम करेगा उसके लिए नो बनेगी, सीता को उठा ले जाना, ये क्यों बताया कि ऐसा जुल्म मत करना ये सजा होगी। तो हम ना तो रामायण पढ़ डटे और ना गीता जी का अनुसरण किया, माता धोकन लाए गए, मंदिर में पानी चढ़ाने लाए गए, व्रत रखने लगे, किसी भी शास्त्र में प्रमाण दिन साधनाओं से तुमने कोई लाभ होगा, और कोई कह देता है ये वह कह रहा है कि बेचारे भोले भाली आत्मा स्वार्थी लोगों ने, अब ये मानती कोई ना। तो अगर सारे भी ऐसे नाम जाप करके भगवान विष्णु का अगर यहां डटकर साधना कर ले तो स्वर्ग में चले जाओगे और ठाठ रहेंगे वहां पर, जब तक ये महाप्रलय नहीं होगी इतने स्वर्ग में रहोगे आप, लेकिन महाप्रलय के पास है फिर एक बार नष्ट सारे हो गए। लेकिन वह स्वर्ग में किस चीज से, वहां भी नौका अनुराग द्वेष है, एक बड़ा पदवी है उसकी टांग खेचे से सारा दिन बीच से बीच उसमें दिल से गड़े जहां बैठे बैठे, वहां पर यही राजनीति चलती है, सुख उड़ा भी कोई ना बीरा, पर यहां से हजार गुना ज्यादा। इसलिए असली सुख सतलोक में होगा जाकर। जो कोई माने शब्द हमारा भव सागर नहीं भर में दारा, या मैं सुरत शब्द का लेखा और तन अंदर मन को किन देखा, दास गरीब अगम की वाणी और खोद दो हमसा शब्द सैदानी। अब कबीर साहब की वाणी सिर्फ 5 मिनट का और प्रकरण रहता है, यह आपको सुनाता हूं। धर्मदास को महाराज कबीर साहब बताते हैं कबीर सागर से साहबार, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए नाम नियारा, ज्ञानी यही ज्ञान जग जीव सुनाओ। धर्मदास से कहा है कि जो मैंने बताया तुम ये सब न बताइए भाई, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चताई, और इन तीनों देवता की उत्पत्ति भाई, अब मैं तुझे विवेक से बताता हूं ये त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये क्योंकर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हुए। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, साहेब एक कीन अजब तमाशा, सो मैं कहूं तुम्हारे पासा, कुछ संक्षेप कहूं गौराई, यानी संक्षेप में संक्षिप्त रूप में यानी थोड़े से बता दूंगा, जान तो सुनिए, कुछ संक्षेप कहूं गौराही और सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग भेद पुराना और आदि राम का भेद नहीं जाना। आदि राम असली राम जो कदे का राम है, राम क्या चीज है, गॉड इज द पावर, एक शक्ति का नाम राम है, 3 लोक के राम ब्रह्मा विष्णु महेश है, 21 ब्रह्मांड का राम ज्योत निरंजन है, असंख्य ब्रह्मांड का राम जो है वो परमात्मा सत्पुरुष है जिससे सारी उत्पत्ति हुई। अब आप गीता जी को पढ़ के देखना, उसमें निरंजन स्वयं कहता है कि अर्जुन उस परम पिता का ध्यान दिलवाई जिससे सब जीव सारी प्रकृति सब सृष्टि उत्पन्न हुई,
उसका ध्यान धरणिया, फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आता। गीता जी में पढ़ के देखना आप, हमने आगे का बेरा ही नहीं था, उल्टी सुलटी न्यू कह जाओ कह मेरा ध्यान धर, मेरा उन्होंने अलग किया कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान धर और भाई तने सुख दे दूंगा, स्वर्ग में बिठाऊंगा, और तुम रह को ना, कब तक, जब तक महाप्रलय नहीं होगी, ऐसा गीता जी में साफ लिखा है। तो क्या कहा, भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का, आदि राम कदे का राम, वो शक्ति जो कभी से है उसका कोई भेद नहीं जाने, और आज राम कोई बिरला जाने, उस सतपुरुष ने नोगे कोई कोई जाने, भाई जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, वेद भी उसी की गवाही देते हैं। पांच में अध्याय के, ये मेरे पास यजुर्वेद रखा है, यजुर्वेद के पांच में अध्याय के 32वें श्लोक में जो कि सरलार्थ किया गया है महर्षि दयानंद जी द्वारा, उसमें लिखा है कि वो बंदी छोड़ भगवान, बंदी छोड़ किसे कहा, उन्होंने लिखन का फर्क कर दिया, जो बंधनों का दुश्मन लिखा उन्होंने, इस वेद में सरलार्थ करते हुए महर्षि जी ने लिखा है कि बंधनों का शत्रु, बंधन काटनिया, शत्रु काटने वाला, मारने वाला, तोड़ने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहा, वही बात है, वो बंधनों का शत्रु, इन तारागण और लोकों का पैदा करने वाला और जिससे सारी सृष्टि चल रही है, वो परमात्मा सतलोक में रहता है, सतलोक लिखा उसमें साथ सतधाम। और एक तरफ महर्षि जी कहते हैं परमात्मा का कोई लोक सह कोई ना, निराकार में सब जगह है, जब उसका धाम है तो वो वहां है भी। अब ये साफ आप भी कहते हो, क्योंकि ये विचार बिना बात सारी बिगड़गी, और हमने संस्कृत आवा नहीं थी, हमारे पूर्वजा ने जिसने जो भी विचार बात सीखी कि मैं बंडा दिए वह सत मान ली, ये बात गजा कड़ा बेचारे, और उससे भी सतर गिर गया, वह भी बात ना रही कि वहां तक वेदांत तक सीमित रह जाते, इब हमारे को करवा चौथ पे ओई कमोई पे डरली भी तरलिया पे कनागता पे आड़े हो जा दिए, ये सीधे नरक मैदान के रास्ते के देवता कतरे ना लिए पड़ते, देवता तो और न्यारे रह गए, तो बंदी छोड़कर मेरी शरण माओ, देखूं सारे देवता ने भी, और करके देखो आज कम से कम पांच पांच वर्ष हो गए हमने नाम देते ने, हर दिन बहन और भाइया ने नाम ले रखा, कम से कम सैकड़ों आई हैं, और उनसे पूछ कर देखो कि ये नाम लिए पास ने कितने कनागत काटे हैं, और उसके बाद इनके घर में सुख होया दुख होया, इनसे मिलकर देखो जब पता चलेगा आपने। और ये सुख तो मुफ्त का है, असली काम तो यहाँ का जन्म मरण मिटाकर सतलोक ले जाने का, इस मंत्र का जो हम देते हैं सतपुरुष का, राम राम सब जगत बखाने, आज राम कोई बिरला जाने, राजा राम सबको ये जग जाने, और तुम सीता को भेद बखाने, राजा राम रामचंद्र जी का न सब जाने, लेकिन वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र त्रेता में आए हैं, ज्ञानी सुन जो हृदय लाई और मूर्ख सुने सो गम न पाई, जो विवेकशील व्यक्ति होंगे इस कथा ने सुनकर उनका संशय खत्म हो जाएगा, और जो भाई अनजान से हुए बल्कि या तो घर की बना रखी होगी बात, हमने कथा सुनी को ना, शास्त्रों से जानकारी हुई है हमने सभी को, और ये शास्त्र आपके सामने रखा है, इसमें चारों वेद, छह शास्त्र, 18 पुराण, 11 उपनिषद, महाभारत, गीता, भागवत और रामायण, प्रथम गरीबदास ने ये लिखी, कोई नो ना सोचे कि उन्हें कहेगा बेरा ही ना होगा, और पंतांजलि का योग इसके बराबर रख के और योगी को बुला लो मेरे पास, योगी भूल जाएगा, मैं बताऊंगा उसको कि कहां तक आप आगे समाधि जाती है, ये पूर्ण परमात्मा थे जिसकी साधना करने से आप भी उस वस्तु को पा सकते हो, बहन भी और भाई भी, कोई अंतर नहीं परमात्मा के पाने में, कोई फर्क नहीं, ना कोई जाति, ना कोई मजहब, ना धर्म, कोई आंट नहीं लानता और ना कोई धर्म सहयोग देता, वो साधना आप पर करनी पड़े, प्राणी ने जब ये मनुष्य शरीर में आ जाता है। माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, ये माया 8 भुजा की इनकी मांस है और पिता इनका निरंजन है, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीना निरंजन राई और पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा और देव निरंजन तन मन लोभा, और काम देव धर्मराय सताए और देवी को फिर तुरंत दरखाए, वासना इसके अंदर उत्पन्न हुई, इसने नीचता करनी चाहिए और माया उसके पेट में समाई है, पेट से देवी करी पुकारा पुकारी, पेट से देवी करी करे पुकारी और साहेब मोहे करो उभारी, तेर सुनी सतपुरुष सतगुरु ता आए,
उसकी आवाज सुनकर सतपुरुष ने अपनी शक्ति धर्मदास सहजदास द्वारा में भेज दी। अष्टंगी को बंद छुड़ाए, उस माया को उसके पेट से बाहर निकाला अष्टंगी को। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भगलिंग कीना, उसने अपने नाखून से वो जनन क्रिया उस माई में बनाई। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा। धर्मराय और माया साजे, तीन लोग तासे उपराजे। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ये कहते हैं बंदी छोड़ के, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों देव विस्तार चलाए, इन में ये जग धोखा खाए। और पुरुष गम कैसे कह पावे, काल निरंजन जग ब्रह्मावे। ऊपर जान नहीं देता हो तो कैसे जान दे, इसने 1,00,000 पे रोज खाने। तीन लोग अपने सुत दीना, तीनों लोग अपने बेटियां तई दे रखे हैं, सुतों को, पुत्रों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तीन लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। चौथी सुन में निरंजन स्वयं अपना बास यानी आकार में वहां रहता है। तीन देव सो उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। तीनों देवता भी ये ध्यान लगाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो निरंजन ना ढूंढ पाए, आगे सतलोक में चले जाएंगे कहां। तीनों देवा सो ध्यान उनको ध्यावे, निरंजन को वो पार नहीं पावे। अलख निरंजन बड़पट पारा, बटपारा कहें ठग, ठग जो होता है ना उसने ठग कहते हैं, रास्ते में बना बड़ो का बात अरगोज मत काट ले जा सामान ने, उसको बटपारा कहते हैं जो ठगता है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, तीन लोग जीव करे आहारा, आहार माने खावे। तीनों लोग के जीवों को वो देवता ने भी ना छोड़ता, उनको भी पहले वहां गिर तक छिला के ऊपर भूलें और फिर अपने कर्म अनुसार दंड भोग लो। तीन लोग जीव करे आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए। ब्रह्मा भी जब यहां से शरीर छोड़ता है उस तपस्या पर जाता है जहां पर निरंजन उसको खावे और फिर अपने उसको फिर दोबारा उत्पत्ति कर देता है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए और यकल खाए अपन धोर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा और अंदर जीव करत है सेवा। ये बेचारे अंधे तो हम आप हो गए, जब हमने हमारी दूरबीन नहीं आता काम करे आगे की सहे को ना, तो हम और सेवा करें किसकी, यही तक सीमित हो गए और फिर 84 भी हो गए। राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। कहते हैं राम रूप भी यानी माया से शरीर मिलता है और निरंजन ने जबरदस्ती विष्णु को दबाव देकर और राम रूप में भेजा और कारण बनवा दिया नारद के श्राप का और फिर उसने उस राम का बकल तारा। राम ही रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया। और 10 अवतार माया ने धरिए और काल अपर बल सबको छलिया। ये 10 अवतार भी स्वयं निरंजन आया, अपनी शक्तियों में प्रवेश करी निरंजन, जैसे प्रेत आत्मा दूसरे बढ़के और अपने जो चावस होकर दे। एक भगत जी बता रहा था कि मेरी पत्नी कति कुछ नहीं जाना, बेचारी साइकिल भी ना चला जानती, और एक दिन पाछे तुम्हारी कार काट कर घुमाती आंडा उड़ा सर आम गया सारे को घुमा लाई, और हमने हो गया चाला पाट गया, कार लेके उकर गई बरेगी ढूंढा ढांडी करी तो सामने अपने हाथ ले आई, तो हमने उसको ताड़ा। जो बोला पता मैं कौन हूं, अब कौन है, अब तुम्हारा पित्र हूं मैं ले आऊं चला के कार, या चला सकती है। तो इस प्रकार ये जो ऐसी आत्माएं हैं, जब ये बढ़ जाए तो निरंजन में बढ़ते के देर लगेगी। तो इस प्रकार वो हर जीव में जो बुरे कर्म करवाना वो आपको करवा जाता है। और पक्ष जीव बहुत पछतावा प्राणी, ये आत्मा रोवे बैठ के तने जुलम कर दिया ऐसा। काल पुरुष तिहुन किन्हों नी चीना, काल पाए सब गहलीना। ऐसा राम सकल जग जाने और आज परमात्मा को कोई नहीं पहचाने। आदि ब्रह्म का ना को ना पहचाने, तीनों देव असुर अवतारा, अर्ता को वजह सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्म राय में कहूं पुकारा। और गुण तीनों की भक्ति में भूल रहा संसार, और कह कबीर निज नाम बिना वही कैसे उतरो पार। बोल सतगुरुदेव की जय। सत साही आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछता भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पछ पछता
बाड़ू की बीत पवन का खंभा कब लग खैर मनावेगा। बाड़ू की बीत पवन का खंभा कब लग खैर। आजम तेरे गट नंगे रे तू राम कहण ना पावे। आजम तेरे गट नंगे रे तू राम कहण ना पावे। आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ। भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ। काल बलि तेरे सर पे बैठा भुजा पकड़ ले जावेगा। काल बलि तेरे सर पे भुजा पकड़ ले जा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा खड़ा लखा। वेगा भाई आ जाब शरण राम की फिर पाछ। पछगा भाई आ जा बंदे शरण राम की फिर। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बनावे। धर्म राय तेरा लेखा लेगा वहाँ क्या बात बना। लाल खंब से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। लाल खंब से बांधा जा बिना सतगुरु कौन छोटा। गा भाई आजा बंदे शरण राम की फिर पाछ। गा भाई आजा बंदे शरण राम। दिया लिया तेरे संग चलेगा दराड क्या रह जावेगा। दिया लिया तेरे संग चलेगा दरा कहे कबीर सुनो भाई साधो करणी के पड़ पा। कहे कबीर सुनो भाई साधो करणी। गा भाई आजा बंदे शरण राम की। सत साहिब अब इसमें कहा कि आजा बंदे राम शरण राम की। अब कई भाई यहां पर फिर धोखा खा जाते हैं कि कबीर साहब भी नो कह रहे हैं कि राम का वजन करो। राम अब राम उन्होंने बता दिया हमारा राम सतपुरुष है। आपका राम है तीन लोक के राम, इनका भी वजन करोगे ये लाभ उतना जरूर दे देंगे। जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज और जल सोही मछली तड़े बह जाते गजराज। अब मान लो आपने किसे थानेदार तो मेड़ कर रखा दोस्ती होगी लाभ तो वो भी देगा पर मुख्यमंत्री वाले नहीं दे सकता। साहेब जैसे राम कहो साहेब कहो, डीसी भी साहेब कहलाता है, मुख्यमंत्री भी साहेब कहलाता है और प्रधानमंत्री को भी साहेब ही कहते हैं।
डीसी जिले में साहब, मुख्यमंत्री राज्य में साहब और प्रधानमंत्री सारे सबका ऊपर साहब, तीन लोक के राम। अब जैसे हम राम कहते हैं तो भगवान राम में या विष्णु में सुरत चली जाती है। जिस प्रकार किसी भी महकमे में उच्च अधिकारी होता है, जैसे डीसी के ऑफिस में या एसपी के ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, कोई काम होता है तो वो कर्मचारी नो नहीं कहते कि एसपी साहब आगे, वो कहते हैं भाई साहब आगे, और वो काम आप कह रहे थे ना, आप वो फाइल पुटअप करो, वो आके कहता साहब ने मना कर दिया, वो बार बार एसपी नहीं कहता। इसी प्रकार जिस भी, क्योंकि उनका साहब उनका भगवान ओएस है। अब हम राम का ज्ञान इसी का, इन्हीं का साधन करें, भाई राम राम जपो, भगवान राम राम नहीं जपना, उनका और नाम से, जैसे ओम मंत्र यहां का उत्तम मंत्र है। 21 ब्रह्मंड का, ज्योत निरंजन का, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना में ओम मंत्र सबसे ज्यादा काम करे। ओम भागवते वासुदेव नमः, ओम के बिना भागवदेव वासुदेव नमः कोई काम नहीं करे। ओम नमः शिवा, नम ओम छोड़ दो, नमः शिवा कोई मंत्र नहीं है। ओम मंत्र यहाँ का सबसे उत्तम मंत्र है, इससे स्वर्ग प्राप्ति, सिद्धियां प्राप्ति, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटता। इसके साथ एक मंत्र और है, ये दोनों मिलकर सतनाम बनता है, उस सतनाम का श्वासों से जाप करना होगा, और यहां का लाभ उस ओम मंत्र से ये तो पूरा मिलेगा अपन को, और इनका हमने फिर स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग में फिर धोखा। और इसके बाद एक सतनाम दिया जाए, सार नाम दिया जाएगा, वो आपको सतलोक ले जाएगा। तो हम उस, जब ये राम नाम हम कहते हैं, हमारी स्वर्ति कबीर साहब में जाती है, सतपुरुष में, उस पूर्ण ब्रह्म में जाती है। हम राम कहें, साहेब कहें, सत साहेब कहो, राम कहो, आप राम कहोगे तो हम भी अपने कबीर साहब की तरफ इशारा जाएगा कि हमारा राम ये है। ये आप साहेब कहोगे, आप राम कहोगे तो हमने पता है कि विष्णु तक बोल रहे हैं, ये वहां के अधिकारी उनके उपासक हैं। इसलिए जब हमने, हम यहां राम नाम जो कहा है उस पूर्ण राम की तरफ, और कहा कि काल बलि तेरे सिर पर बैठा और निरंजन तुम्हारे ऊपर मंडराया रहता है और भुजा पकड़ ले जाएगा और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला सारा इकड़ा लखा होगा। हम क्या करेंगे, टक्कर मार मार रोएंगे, और 6 महीना पास सब्र हो जाएगा, बाकी अपना बाकियां का शुक्र मनावाएंगे, और बाकी ने भी ना छोड़े। अब दोपहर के बाद आपको एक सबक सुनाएंगे इस काल की महिमा का, कितना जुल्म किया इसने, और फिर उसको समझाएंगे। बोल सतगुरुदेव। अभी आपने सुबह के सत्संग में सुना था कि किस प्रकार इस सृष्टि की रचना हुई, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, और हमारे साथ ये इतना गुप्त धोखा किसने कर रखा है। आपको ज्ञान हुआ कि ज्योत निरंजन भगवान ने, जिसको काल भगवान भी कहते हैं, इसने 1,00,000 जीव रोज खाने पड़ते हैं, अपने ही किए कर्म का दंड ये भोग रहा है। अब ये क्या करता है, खाता कैसे, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जब ये शरीर छूट जाता है, ये शरीर उसने हमारे को क्यों दिया, ये विषय वासना से प्यार करवाया, और मन रूप में ये स्वयं परमात्मा काल सब जीव में विद्यमान हो गया। बुरे कर्म ये मन बड़ा खुश होकर करता है, और अच्छे कर्म को कहने से भी नहीं करता, जैसे शराब पीना, सिगरेट, बीड़ी, सुल्फा, मांस आदि खाना, ये देखा देखी आप पे शुरू कर देता है। लेकिन अच्छे काम को, भक्ति मार्ग को, बुराई त्यागन को यो कहने से भी स्वीकार नहीं करता। सिनेमा देखने के लिए ये लगातार 2 फिल्म देख सकता है, 3 भी देख ले, 3-3 घंटे की, और परमात्मा के नाम को और धर्म के काम पे 10 पैसे नहीं खर्चन दे प्राणी को। जब इसको श्याणा बना दे, इसको डराता रहता है,
कि कहीं तू पैसे खर्च ना कर दे, ऐसे नुकसान हो जाएगा। और भगवान के नाम पर बैठा जब इसके कुछ ना कुछ ऐसी बातें याद दिला देगा कि भगवान का बदन तो जाएगा भूल, और पुराने उलझेड़े में उलझ जाएगा। मनमान आज तो 50 साल पहले की बात हुआ याद आ जाए, नाम नहीं लेने देगा। ये नाम के ऊपर बैठोगे दुकान की, मनमानो वही हिसाब करने लग जाओ आज किस किस के देने थे, किस के लेने थे। यानी भक्ति के समय ये जरूर ऐसी उल्टी प्रेरणा करके इस प्राणी को गुमराह रखता है। 1 लाख जीव ये प्राणी जीव रोज 1 लाख प्राणी ये काल रोज खाता है। कैसे खाता है? जैसे पहले बताया था कि ये इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। इस शरीर के इस 5 तत्व के पुतले का इसने कैसे उत्पत्ति करवाई और उसके बाद इसका के प्रारूप कर दिया। वासना से ये तैयार हुआ, वासना इसके अंदर और भर दी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ज्यादा जितने बुरे कर्म कर सकता है ये प्राणी उसमें प्रसन्न होता है। उसको सारी वासनाओं को, दारू पीने की वासना, सल्फा पीने की, बीड़ी पीने की, जितनी भी गंदी से गंदी, अच्छी से अच्छी जिसको हम समझते हैं, वो सारी इसके अंदर इसके माध्यम से शरीर के माध्यम तक उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये इसको लगा देता है। इसके द्वारा उस सूक्ष्म शरीर के ऊपर ये समा जाती है, शरीर छूट जाता है और उसको अपना ले जाता है। अब उसको क्या करता है, तपत शिला है नरेंद्र के लोक में, एक पत्थर की टुकड़ी जो अपने आप जगती रहती है, ऐसे उसमें आंच बनी रहती है बहुत भयंकर। जैसे रात्रि के समय खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो और लाइट चली जा, उसमें तोवे का रंग देखा है, इतना लाल होता है बहुत घना। इस प्रकार वो तपत शिला इतनी लाल सदा रहती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जल्दी सी अगर थोड़ा टेम्परेचर हो तो सूक्ष्म शरीर उस मैल न छोड़ता नहीं, वहां पर 1 लाख प्राणियों की गाणी जो की तो डाल दी जाती है सूक्ष्म शरीर में। अब कहते हैं ना 13 जन पता नहीं ये प्राणी कहां चला गया, 13 में इसलिए मनाते हैं कि 13 दिन में ये तपत शिला पर भी जा लेता है, उसके बाद धर्मराज के पास भी आ जाता है, और इसने जो बनना है पशु कुत्ता गधा 13 दिन के अंदर पूरा काम बन ले इसका। या नरक में जाना नरक में, स्वर्ग में जाना स्वर्ग में। इस प्रकार इस तपत शिला के ऊपर ये सभी प्राणियों को ऐसे भून कर खाता है। प्राणी मरते नहीं, जीव अमर है, बिल्कुल अमर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो के अमर हुआ, वहां तपत शिला पर दुख पाया, उसके बाद मृत मंडल में आया। यहां पर कभी गधा बना, कभी पशु बना, कभी लक्ष चौरासी भोगी। और मनुष्य शरीर में कौन सा सुख है, पैदा होते ही ये बच्चा कभी इसका मच्छर लड़े, मुंह तो बोल नहीं सकता, कहीं खटमल खावे और कित मच्छर काट जावे, पेट में दर्द हो रहा हो और मां ने सोचा भूखा है और दूना दूध ठोक दे उसके निपल गे लिया। अब इसी बिरान माटी हमारी बिराना कितनी बार होली, कितने हम दुख पावे। थोड़ा सा स्याणा होता है, स्कूल में जा बच्चा, इतनी मोटी किताबा का उसके ऊपर पूरा लदाना लाद देते हैं, बच्चा छोटा और पुस्तक ज्यादा। फिर वो बच्चा पढ़ता है, पढ़कर नौकरी प्राप्त करता है, फिर ब्याह हो जाता है। ब्याह होने के बाद बच्चे हो गए, बच्चे हुए पाछा उनके पालन लालन में उसने अपना जन्म लगाया, आखिर में फिर उनके बच्चे हो गए, उनकी शादी कर दी, आप चला गया। उसके बाद 84 हम तो समझे हमारा वंश चल गया, हम समझे हमारा जीवन सफल हुआ। बंदी छोड़ के भाई देखो, इसके साथ साथ एक काम और कर लेते ना तुम, जब बच्चे के हमने 6 ट्यूशन लगवा रखी, 6 सब्जेक्ट लगवा रखे, और बाद में हम उसको ट्यूशन न्यारी पढ़ावे, कितना समय एक पेट की
एक पेट की खातर उस बच्चों को कितना हम समय भी देते हैं और पैसा भी उसके ऊपर लगाते हैं। अगर उस बच्चे का एक सब्जेक्ट और लगवा दो धार्मिक कामों का, सत्संग में लावे और श्याम ने नौका बेटा ट्यूशन एक एक घंटा ट्यूशन ही मारी ले, बैठ कर आरती करवावे, ले बच्चा नाम पढ़ बेटा, यो एक एक मंत्र का जोटा मार दे, ये साथ की साथ उसका ऐसा अभ्यास हो जाएगा और आने वाले समय में यही धर्म का काम और परमात्मा का नाम बच्चे का साथी होगा। केवल पढ़ाई काम नहीं देगी, बच्चा पढ़ लिख कर ऐसा कुसंगत में फंस जाता है, नौकरी भी लग गया और सारी तनख्वाह का शराब पीवे, सारी जो मेहनताना उसने मिलता है उस सारी की सारी पे की दारू पीने लग गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कर्म ने साथ नहीं दिया। वो साथ देता जो भगवान का भजन उसके साथ होता, कुसंगतम बचता और वो पैसा 10-20% वो अपने भगवान के नाम पर लगाता, वो बच्चा उसका जीवन सफल होता। इसलिए हमने वो मार्ग, अच्छा इसी प्रकार अंत में जो बिना नाम के प्राणी चला जाता है वो बहुत दुख पावे, 84 चला जाता है। यहां पर फिर ये तो हुआ मनुष्य शरीर में, फिर कभी बीमार हो जाता है, किसी के हाथ कट जाते हैं, किसी के टांग कट जाती है, किसी को पोलियो हो गया, कोई अंधा हो गया, और भी बेरना कितनी समस्याएं हैं ना जाने, कभी आप बीमार, कभी बालक दुखी, कभी रोजगार में घाटा, जैसे हमने आप सुबह बताया था, इतने कष्ट ये न्यारे रह गए और उसका भोजन ज्योत निरंजन का बनना वो न्यारा, और अपने स्वार्थ में समान दा करके मोह ममता के इस बेड़ी में ला कर यहां घेर दिया। इसके बारे में कबीर साहब, बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब के वाणी पर आधारित एक शब्द सुनाते हैं और फिर इसको खोल कर बताएंगे आपको। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चालत ने सत्य पुरुष बुला दिया, आप जना लिया कुछ ना सोची कालत ने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चली चालत ने सत्य पुरुष बुला दिया, आप जना लिया कुछ ना सोची कारतन। वेद पुराण कुरान बनाए, ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सुख संवेद का भेद छुपा के ये गलती करी मां।